एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उदयपुर शहर में और दो मेडिकल कॉलेज मिलके कर रहे हैं, आरएनटी मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज। चार दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसमें पहले दिन हम लोगों ने 13 वर्कशॉप रखे हैं जिसमें विभिन्न तरह की जो लंग्स की डिजीजेस के बारे में और जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं एंडोस्कोपिक टेक्निक्स का। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी ने उसके लिए बहुत मेहनत करके थिएटर और हॉल्स को कनेक्ट करवा के वो सुविधा दी है, और उसी वर्कशॉप में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे हमारे जो स्टूडेंट्स और वो आएंगे। उसके बाद में 3 दिन तक लगातार साइंटिफिक सेशंस गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में होंगे और इसमें लगभग जो है 2500 के करीब लोग भाग ले रहे हैं और करीबन 60 के करीब इंटरनेशनल फैकल्टी या तो वर्चुअल लेक्चर के माध्यम से या यहाँ पे फिजिकली भी 22 के करीब फिजिकल लोग फैकल्टी भी आ रही है। नेशनल फैकल्टी करीबन 450 के बीच में है, 400 के करीब लेक्चर्स, सिंपोजियम्स, पैनल डिस्कशंस, वेरियस इश्यूज़ पे डिबेट्स, ये सब भी होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार रिसर्च पेपर बहुत लोगों ने भेजे हैं पढ़ने के लिए और करीबन 980 रिसर्च पेपर ओरल पेपर के माध्यम से या ई प्रेजेंटेशन, ई पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसमें पढ़े जाएंगे। और देश के और विदेश के जाने माने चेस फिजिशियंस जैसे अमेरिका के डॉक्टर अतुल मेहता, डॉक्टर मिलिंद, यूके से डॉक्टर सोवानी, डॉक्टर पांचाल और हमारे यहाँ इंडिया के गिने चुने जो बड़े चेस फिजिशियंस हैं जैसे पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर थे जिन्होंने कोविड की गाइडलाइंस बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया था, पीजीआई के एक्स डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर दिगंबर बेहरा वो भी आ रहे हैं जो अभी इस समय नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारा एनटीपी प्रोग्राम चल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम 2025 तक किसी भी तरह समाप्त करें या इस स्थिति तक ले आएँ कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। तो इस कॉन्फ्रेंसेज में इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स जो लंग्स डिजीजेज के, जो एनवायरमेंटल डिजीजेज के या जो बायोटेररिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लंग डिजीजेज, इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स पे विस्तृत चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ जो डॉक्टर्स इसको अटेंड करेंगे और हम लोग भी, हमारी जो नॉलेज बढ़ेगी उसका डेफिनेट फ़ायदा यहाँ की जनता को और यहाँ जो और अन्य राज्यों से रोगी आते हैं उनको भी मिलेगा। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस कॉन्फ्रेंस की सारी जानकारियों को जनता तक अधिक से अधिक पहुँचाएँ ताकि पूरी जनता को इस जो एक इवेंट हो रहा है अपने उदयपुर में इतना बड़ा उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। आरएनटी मेडिकल कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भारत के जितने भी चेस्ट फिजिशियंस हैं उनकी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कल से आयोजित की जाएगी, 4 दिन की है और इसमें 2200 से अधिक चेस्ट फिजिशियंस भाग लेंगे। और ये ऐसा पहली बार है कि उदयपुर जैसे शहर में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, मेडिकल के बड़े सब्जेक्ट की नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस यूजुअली मेट्रो सिटीज़ में ही आयोजित की जाती हैं और इसमें 400 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे वक्ता और 50 से ऊपर विदेश से जो अच्छे वक्ता हैं वो भाग लेंगे। इसमें हमारे चेस्ट फिजिशियंस ने ये बहुत मेहनत की है और ख़ास करके डॉक्टर एस के लोहड़िया साहब, डॉक्टर महेंद्र बेनाड़ा और डॉक्टर अतुल लोहड़िया ने मिल के और बहुत मेहनत की है। इससे उदयपुर का जो मेडिकल का एक हब जो विकसित हो चुका है उसमें हमें मौका मिलेगा कि राष्ट्रीय स्तर के जो लोग आएंगे उनके सामने ये हम हाईलाइट कर सकें, ये हम प्रोजेक्ट कर पाएँ कि उदयपुर में कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं। बहुत सारी सुविधाएं उदयपुर में ऐसी हैं जो कि भारत में और कहीं नहीं है, जैसे हमारे यहाँ ई बस की सुविधा है जो कि फेफड़े की सोनोग्राफी होती है, फेफड़े से बायोप्सी लेने का एक तरीका होता है। इसी तरीके से एक्मो मशीन है वो उदयपुर में उपलब्ध है जो कि बहुत कम सेंटर्स होते हैं जिनमें ये उपलब्ध होती है।
तो इस कॉन्फ्रेंस से न केवल जो डॉक्टर्स आएंगे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, मगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर में क्या सुविधाएं हैं, मेडिकल के क्षेत्र में कितना एडवांसमेंट हो चुका है, इसको भी हमें हाईलाइट करने का मौका मिलेगा।